हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे देख सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका आज हम CNC टर्निंग प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को हम एनालाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ये, हमने इसका एक बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू दे रखा है स्टील का। देखने में ये बिल्कुल ओरिजिनल सा लग रहा है। ये हमने सॉलिड वर्क्स पे बनाया हुआ है। इसका टूल पाथ जनरेट करने के लिए हमें इसके आउटर बॉडी पे स्केच जनरेट करना होगा। तो उसके लिए हम चलेंगे वायर फ्रेम पे, देन यहाँ पे एक ऑप्शन है कर्व स्लाइस, इस पर क्लिक करेंगे। एंड देन इस बार से हम सॉलिड सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए पूरा चेन सेलेक्ट हो गया। और एंड सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से ओके करेंगे। तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये इसका आउटर बॉडी पे टच करता हुआ टेंजेंशियली एक स्केच जनरेट हो चुका है दोनों साइड में। तो हम इसे पहले टॉप व्यू दे देते हैं। अब यहाँ पे लेवल पे चलेंगे, एक लेवल क्रिएट करेंगे, दो नंबर लेवल, नाम दे देते हैं इसे सॉलिड मॉडल। देन टूल पाथ, देन ये जो मॉडल है इसे राइट इसे क्लिक करके राइट क्लिक करें एंड चेंज लेवल, इसे लेवल चेंज करके दो नंबर लेवल पे ओके कर ले। फिर लेवल पे जाएं, एक नंबर लेवल पे क्लिक करके यहाँ से दो नंबर के जो मॉडल है उसे विजिबिलिटी को ऑफ कर दीजिए। तो देखिए विजिबिलिटी ऑफ हो गया, अब बस स्केच रह गया। बट हमें क्या चाहिए कि इसके जो टूल पाथ जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ जो बीच का जो रेफरेंस पॉइंट दिख रहा है इससे ऊपर का स्केच चाहिए, नीचे वाला हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लाइन लेकर के एक बीच से एक डिवाइड करते हुए एक रेफरेंस लाइन जनरेट कर लेंगे। ओके करिए और नीचे का जो पोर्शन है इसे ट्रिम कर दीजिए। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड पे दिखा रहा हूँ, मैनुअली करना पड़ेगा इसे आपको ट्रिम कमांड लेकर के। देखिए ये सिर्फ ऊपर का पोर्शन रह गया। अब चलिए चलते हैं इसके टूल पाथ बनाने की ओर। उसके लिए हम चलेंगे मशीन पे, देन मशीन हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम कौन से मशीन के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम CNC टर्निंग के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो लेथ पे क्लिक करेंगे देन डिफॉल्ट। तो देखिए ये मशीन का ग्रुप खुल गया है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज लेथ जो है वो MM में है। यहाँ से प्लस कॉपन करके पहले इसका स्टॉक दे दीजिए, यानी फोर्जिंग का जो आपका साइज होगा वो क्या होगा आप यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक का प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, यहाँ पे मेक टू पॉइंट है। यहाँ से आप मैनुअली आप दे सकते हैं कहाँ से कहाँ आपका स्टॉक होगा। तो हमारा स्टॉक यहाँ से यहाँ तक होगा। तो देखिए स्टॉक ऑलरेडी वो सिलेक्ट कर लिया। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा इस स्टॉक के बाद कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन देना चाहते हैं तो यूज़ मार्जिन पे क्लिक कीजिए। तो हम क्या करते हैं OD की फिनिशिंग के लिए हम 1 mm दे देते हैं। राइट में हम 500 माइक्रोन फेसिंग के लिए एंड देन लेफ्ट पे हम 22 mm। तो आप बोलेंगे 22 mm इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये जो 22 mm हमने एक्स्ट्रा दिया है ये चक पे लगेगा, वो एक्स्ट्रा मेटल है। यहाँ से ओके कर लीजिए। तो ये तो हमने स्टॉक जनरेट कर लिया। अब हम चक के लिए भी, यानी जो जहाँ पे हमारी मटेरियल लगेगी उसके लिए भी हम बाउंड्री जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए चलेंगे प्रॉपर्टीज़ पे एंड यहाँ से देखिए इतने सारे चक हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कौन सा चक लेना, ID के लिए भी है। तो हम एक नंबर वाला लेते हैं एंड मेक फ्रॉम टू पॉइंट, कहाँ से कहाँ तक आपका चक रहेगा। देखिए ये चक मैनुअली आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। और ओके करके अगर फाइनल ओके कर दीजिए, देखिए ये चक का देखिए ध्यान से देख सकते हैं आपका बाउंड्री जनरेट होगा, यानी इतना आपका चक रहेगा। अब चलिए अब चलते हैं ऑपरेशन की ओर। यानी पहला ऑपरेशन हम करेंगे रफ ऑपरेशन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे टूल पाथ टर्निंग में यहाँ पे एक ऑप्शन है रफ पे क्लिक कीजिए, ओके करिए। देन चेन सेलेक्ट करने बोलेगा, तो कहाँ से कहाँ तक आपको रफ करना है, फर्स्ट चेन और सेकेंड चेन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है एंड फिनिश यहाँ पे होगा। तो उसके बीच के जितने चेन है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ओके करिए। अब टूल यहाँ पे दे दिए कौन सा टूल चाहिए। तो हम देखिए OD रफ राइट हैंड मतलब राइट हैंड रफिंग करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर इतने सारे टूल है रफिंग के फिनिश के, आप अपने दे सकते हैं। तो टूल नंबर कौन सा होगा, ऑफसेट नंबर, स्टेशन नंबर, यहाँ पर आप दे दीजिए। फीड रेट आप अपने हिसाब से यहाँ पर देंगे, MM पर रिवॉल्यूशन में भी है और MM पर मिनट में भी, लेकिन चूंकि हमने MM मिलीमीटर में रखा है इसलिए MM पर मिनट हम लेंगे।
ओके कीजिए। यहाँ पे अपना फीड रेट हम दे देते हैं 480 480, स्पिंडल स्पीड को रखते हैं 3000 पे। ओके कीजिए। देखिए डेप्थ ऑफ कट यानी कितने एमएम का कट लगाएगा एक एक स्टेप में, तो हम 2 mm बहुत ज़्यादा है, 500 माइक्रोन का रखते हैं। स्टॉक लिए 200 माइक्रोन छोड़ेगा वो फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। ओके कर लीजिए। तो देखिए ये टूल पाथ जनरेट हो गया, ये रफ का ऑपरेशन है। ध्यान से देखते हैं नीचे का भी, देखिए मेटल कैसे कट रहा है। ये प्रोग्राम बन गया हमारा टूल पाथ। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये रैपिड पोजिशनिंग है, रैपिड मूवमेंट है, और ब्लू वाला आपका ऑपरेशनल मूवमेंट है, लीनियर मूवमेंट है, और येलो वाला रैपिड है। तो इसे अभी हम क्या करते हैं हाइड कर देते हैं, यहाँ से हाइड कर लीजिए। अभी हमें और भी प्रोग्राम बनाने हैं तो इसलिए से हमने हाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्रूविंग जो दिख रहा है इसका प्रोग्रामिंग बनाएंगे। उसके लिए यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रूव का एक ऑप्शन है, चेन सेलेक्ट करने बोला, चेन सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें वैसे पहला और दूसरा पॉइंट दीजिए, तो देखिए ऑटोमेटिक चेन सेलेक्ट हो गया। ओके करिए। यहाँ पर हमने पहला टूल लिया है, यहाँ पर टूल नंबर दे दिए, 2 नंबर टूल हम देते हैं इसके लिए, 2 नंबर। फीड रेट वगैरह अपने हिसाब से दे दीजिए। मेटल नहीं छोड़ना है, पूरा फिनिश करना है, और यहाँ से फिनिश को बंद कर दीजिए और ओके करिए। तो देखिए ये ग्रुप का भी टूल पाथ जनरेट हो गया, इसे भी यहाँ से हाइड कर देते हैं। अब उसी तरह इस ग्रूविंग का भी हम टूल पाथ जनरेट करेंगे। उसके लिए फिर चलेंगे ग्रुप पे, चेन सिलेक्शन, एंड देन चेन को सिलेक्ट कर लीजिए। ये हमारा चेन है, ओके कीजिए। हम इस बार ये वाला लेते हैं, तो 3 नंबर टूल दे दीजिए। फीड रेट अपने हिसाब से बढ़ सकते हैं, 480 480 3000 3000 rpm रहेगी आप रन पर मिनट। इसे 0-0 करें और फिनिश को यहाँ से बंद कर दो। फिनिश का ऑपरेशन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके कर दीजिए। देखिए इसके लिए भी टूल पाथ जनरेट हो गया, इसे भी हाइड कर दीजिए। अब हम चलते हैं फिनिश का। देखिए ये एक्स्ट्रा मेटल देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से आप जूम करके देखिए, देखिए ये एक्स्ट्रा मेटल है, यानी हमने जो रफिंग का ऑपरेशन किया था उसके लिए 200 माइक्रोन हमने छोड़ रखा था, वो मेटल अब हम फिनिशिंग ऑपरेशन के जरिए इसको रिमूव करेंगे। तब चलते हैं हम फिनिश पे, इसमें भी चेन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके करिए। ये ओडी फिनिश राइट हैंड, ये 4 नंबर टूल दीजिए, 4 नंबर। फिनिशिंग पैरामीटर देखिए स्टेप ओवर कितना ले रहा है, 2 mm का, बट हमारे मेटल तो सिर्फ 200 माइक्रोन का, तो 2 mm का स्टेप ओवर लेके फायदा नहीं। तो हम क्या करते हैं स्टेप ओवर लेते हैं 0.1, यानी 100 माइक्रोन का स्टेप ओवर रहेगा, और कितना रहेगा 2 बार, तब जाके 0.2 mm का जो मेटेरियल है यानी 200 माइक्रोन का वो रिमूव करेगा। ओके कर लीजिए। तो देखिए 2 बार टूल पाथ जनरेट हो गया। तब ध्यान से देखिए इसे हाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये मेटल अभी भी छूटा हुआ है और ये चैम्फरिंग नहीं हुआ है। उसके लिए फिर हम चलेंगे फिनिश ऑपरेशन पे और हमको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बीच में जो भी एक्स्ट्रा मेटल है फिर से रिमूव होगा वो। ओके कीजिए। मेटल जो टूल है वो हमारा वही रहेगा, टूल हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना। ओके कर दीजिए। तो देखिए अब देखिए चैम्फरिंग भी हो गया। ओके कर लीजिए, इसे हाइड कर लीजिए। अब देखिए बस हमारा ये वाला चैम्फर रह गया है, तो उसके लिए हम फिर चलेंगे फिनिश ऑपरेशन पे, चेन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उल्टे साइड राउंड साइड डायरेक्शन दे दें कहाँ से कहाँ तक होगा। और अब की बार जो है हम टूल लेंगे ये वाला लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से इधर से मूव करेगा ये,
पांच नंबर टूल दे दें, ऐसा ओके कर दीजिए। फीड रेट दे दीजिए 550 और स्पिंडल स्पीड 32 और फिनिश पैरामीटर ये बाकी ठीक है, ठीक कर दीजिए। देखिए इसके लिए भी टूल पाथ जनरेट हो गया, चैम्फरिंग का हो गया। तो बस सब हमारा मोस्टली सारे ऑपरेशन हो गए, तब हम इसे रीजनरेट करेंगे। टूल पाथ ग्रुप वन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से हाइड कर लीजिए, अनहाइड, देखिए सारे ऑपरेशन अब अनहाइड हो गए और रीजनरेट कर लीजिए। तो देखिए ये सारे ऑपरेशन एक बार रीजनरेट हो जाएंगे तो फिर हम चलेंगे सिमुलेशन की तरफ। तो हम चलते हैं, इसका रीजनरेट हो चुका है, अब हम चलते हैं इसका सिमुलेशन के लिए। इसके लिए चलेंगे मशीन पे, देन यहाँ पे वेरीफाई एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए न्यू विंडोज ओपन हो गया है, यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू पे लेकर के यहाँ पर साइकिल टाइम भी शो हो रहा है, बस ओके कर देंगे। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, देखिए ध्यान से देख सकते हो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल एक्चुअल फिनिशिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो हमने इसका सिमुलेशन देख लिया, अब इसका हमको कोड जनरेट करना है। तो उसके लिए हम चलेंगे G1 पे एंड देन NC फाइल को हमको सेव कर लेना, तो इसे हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, टर्न नाम से सेव कर लीजिए। तो जो भी हमने टूल पाथ जनरेट किया उसके अकॉर्डिंग ये कोड हमको जनरेट करके दे देगा, बस आपको उस कोड को कॉपी करना है, मशीन पे लोड करना है और प्रोडक्शन आपके मन चाहे हिसाब से स्टार्ट कर देना। तो देखिए ये बिल्कुल कितना अच्छा सा देखिए कोड जनरेट करके दे दिया है पूरा एकदम, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।